Tap to stop. 00000004. Assalamualaikum friends. 0007. मैं आप लोगों का दोस्त नुमान ज़ेब. Windows System Launcher. मैं आप लोगों का दोस्त नुमान ज़ेब और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टू द ड्रैगन केव गेम का पार्ट टू. इसका पार्ट वन हमने पहले बना चुका थे. हम पहले इसका पार्ट वन बना चुके थे आप लोगों के लिए, तो माजरत. पार्ट वन तो हमारे एक और दोस्त ने बनाया था, लेकिन पार्ट टू हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्योंकि वो मसरूफ़ था. तो माजरत इसलिए आप लोगों से क्योंकि पार्ट टू लाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए मसरूफियात की वजह से. हमारा वो दोस्त अभी मसरूफ़ है, तो पार्ट टू हमें लाना पड़ा आप लोगों के लिए. तो इस गेम का पार्ट टू हम बना रहे हैं भी आप लोगों के लिए, ताकि इस गेम को हम आपको पूरी तरीके से समझा सकें. और तो ये गेम बहुत बड़ी गेम है, इसकी पूरी सीरीज़ बनेगी. तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी. वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें. और हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी है, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है हमने. उस पर आप ज्वाइन लिंक पे क्लिक करके आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं. हमारे टेलीग्राम पे चैनल भी है, उस पर टेलीग्राम पे जाके सर्च करें एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड, आपके सामने हमारा चैनल शो हो जाएगा. आप वहाँ से उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि यह हम यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं जिस भी एप्लीकेशन के बारे में, उसका लिंक आपको उस कम्युनिटी में और टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा. इसके अलावा बहुत सी यूनिक चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और सब कम्युनिटी पर देखने को मिलेंगी. और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप है दो. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा होगा, आप उस जाके उस नंबर पर रब्ता करें. उस ग्रुप में आप उस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन हो सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस यूनिक वीडियो को. तो फ्रेंड्स, मैं जिस गेम की बात करता हूँ वो इसका नाम है टू द ड्रैगन केव. तो ये वाली गेम है, इसका पार्ट वन हम पहले बना चुके हैं. जैसे कि मैंने बताया, पार्ट वन में हमने बताया था कि इसका डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अंदर की सेटिंग कैसी करनी है गेम की. तो वो हमने पार्ट वन में बताया है, हमारे एक दूसरे दोस्त ने बताया है. तो पार्ट टू में हम इसको खेलेंगे कैसे ये बताएंगे. और अगर आप लोगों में से किसी ने इस गेम का पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का लिंक दे रखा होगा, आप वहाँ से पार्ट वन देख सकते हैं इस गेम का. और जिसने पार्ट वन देखा है तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इस गेम को पूरी तरह समझ लेंगे और फिर खेल पाएंगे. चलिए टाइम ना जाया करते हुए गेम को ओपन करते हैं. तो मैंने गेम को ओपन कर दिया और लैंडस्केप मोड में हमने पकड़ना है मोबाइल को, यानी कि चार्जिंग पोर्ट को जो है ना दाहिने हाथ में, मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट को दाहिने हाथ में अपने पकड़ लेना, और बाएं हाथ में हमने अपने मोबाइल के कैमरा वाली साइड पकड़ लेनी है. ठीक है, यानी जो कैमरा वाली साइड होती है वो पकड़ लेनी है. ठीक है, तो ये लैंडस्केप मोड बन जाता है. तो हम अब गेम के इंटरफेस में आ चुके हैं. चलो टॉप बैक ऑफ कर देते हैं. टॉप बैक ऑफ. तो अब हम चलो इसको खेलते हैं. Double tap to the dragon cave. Play. Button. Play हम सिंपल क्लिक करेंगे. Continue game. Start new training room. पहले हम ट्रेनिंग रूम में जाएंगे. Hi. I am a talking dove. It's a bit strange, I know. However, you will soon find out that in Ladonia. ट्रेनिंग रूम में हमें इसके हथियार के बारे में और सब कुछ के बारे में सिखाया जाता है. ट्रेनिंग क्या होता है ये आप लोग तो जानते होंगे, मतलब हमें ट्रेनिंग दी जा रही है. Before you hit the trail and plunge into battle. अब ये कह रही है इसमें कि हमें आपको फाइट भी करनी पड़ती है, आपको चलना भी पड़ता है, फाइट भी करनी पड़ती है, और बहुत सी चीजें से आपका सामना होता है.
is to be able to turn around. इसके लिए आपको एयरफोन्स लगाना ज़रूरी है. आप एयरफोन्स इस गेम के लिए लगाएंगे तब आप लेफ्ट और राइट समझ पाएंगे. अब ये मुझे आवाज़ जो है ना आवाज़ मुझे लेफ्ट एयरफोन में सुनाई दे रही है. अब मुझे इसके पीछे लेफ्ट की तरफ जाना है. अब ये मुझे कह रही है कि ये देखो उसने कहा कि मैं लेफ्ट में हूँ. अब मेरे पास आए लेफ्ट साइड मेरे पास आए देख ये बोल रहे हैं मैं इधर हूँ आप आ जाए. अब वन फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करके हमें इसके पास जाना है. लंच किट मोड के हिसाब से देखे मैं स्वाइप लेफ्ट वन फिंगर स्वाइप लेफ्ट कर रहा हूँ. देखो मैं आ गया. एक्सलेंट ये मैं आ गया इसके पास. right. अब आवाज़ स्वाइपर अब आवाज़ हमें राइट एयरफोन में सुनाई दे रही है. सही अब हमें वन फिंगर से स्वाइप राइट करना है लंच किट मोड के हिसाब से और इसके पीछे जाना है. सही देखो मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ वन फिंगर से. देखो You always have to choose the right weapon. By swiping two fingers left, swiping two finger left हम करेंगे. two finger left swipe करेंगे तो तीर उठाएगा हमारा जो करैक्टर है. तीर से हम एनिमी को दूर से हिट कर पाएंगे. दूर से हमें हिट करना है और नज़दीक के लिए हमें तलवार की ज़रूरत है. उस वो हम टू फिंगर स्वाइप लेफ्ट हम करते हैं तो देखो तीर उठाएगा. देखो तीर उठा लिया. सही स्वाइप लेफ्ट हमने टू फिंगर किया तो जो है ना तीर उठाया. अब हमें तीर मारना कैसे है स्वाइप अप वन फिंगर करना है. वन फिंगर को स्वाइप अप करना है. सही है तो ये तीर मारेगा. सही है एनिमी को तीर मारना है. सही है मारना तब है जब हमें जब एनिमी लेफ्ट साइड में होगा तो हमें लेफ्ट साइड जाना है. जब आवाज़ हमें पूरी तरह बीच में सुनाई देगी तब हमें स्टेड में जाके उसे शूट करना है. सही है स्वाइप अप करके वन फिंगर से स्वाइप अप करके हमें उसे हिट करना है. अब ये लेफ्ट में है तो हम चलो इसके वन फिंगर से स्वाइप करके इसके पास जाते हैं. देखो मैं इसके पास अभी आ चुका हूँ. ये लेफ्ट में थी मैं लेफ्ट में मैंने स्वाइप किया और मैं इसके अब मुझे आवाज़ बिल्कुल बीच में सुनाई दे रही है. तो अब मैं स्वाइप अप वन फिंगर करूँगा तो इसको तीर लग जाएगा. देखो देखो मैंने इसको तीर मारा. देखो अभी दूसरा हम तलवार से इसको मारेंगे. सही है हम तलवार से आप लोगों को सिखाएंगे कि तलवार से कैसे मारते हैं. तो स्वाइप टू फिंगर हम राइट करें जैसे हमने स्वाइप टू फिंगर लेफ्ट किया था तो तीर उठाया था. अब स्वाइप टू फिंगर से हम राइट करेंगे. स्वाइप टू फिंगर हम राइट स्वाइप करेंगे टू फिंगर तो ये तलवार उठाएगा. सही है लेफ्ट पे तीर उठाया था अब राइट पे तलवार उठाएगा. जब एनिमी हमारे नजदीक आएगा तो हमें तलवार से मारना है. अब देखो ये देखो तलवार उठाया टू फिंगर स्वाइप राइट से हमें इसके पीछे जाना है. सही है ये हमारी राइट में अब राइट हमें स्वाइप करना है वन फिंगर से. जैसे ये आवाज़ हमें बीच में सुनाई देगी मैं स्वाइप कर रहा हूँ. आवाज़ बिल्कुल मेरे बीच में. चलो मैं अभी स्वाइप अप करता हूँ. उसी तरह स्वाइप अप करना है तो इसी तरह तलवार से भी ये हिट करेगा. जैसे तीर मार रहा था अभी तलवार भी स्वाइप अप से ही मारेगा वन फिंगर स्वाइप अप से. देखो The advantage of the sword over the crossbow is that the combat is faster and easier. You shouldn't be disappointed when, for a sword hit, you get fewer gold coins. The majority of your enemies will begin to assault you only once they arrive near you. There are, however, a couple of insidious beasts that can be seen from a distance. To evade their attack, you've got to duck. By sliding one finger downwards. अब स्वाइप लैंड वन फिंगर डाउन से हमें क्या करना है दुश्मन के वार से बचना है. देखो वन फिंगर जब हम डाउन स्वाइप करेंगे स्वाइप डाउन करेंगे वन फिंगर से तो दुश्मन जब हमसे वार करता है हम उससे बच पाएंगे. सही अब ये जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है डग डग की तब हमें जब इंजरी लगती है जब हमारी पील कम होती है तो ये हमें ये आवाज़ सुनाई देगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी पील इस वक्त कम है.
That's why बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें टू फिंगर से स्वाइप डाउन करना है. टू फिंगर्स डाउन एंड यू विल ड्रिंक फ्रॉम अ क्यूरेटिव कंकॉक्शन. देखो टू फिंगर से हम डाउन स्वाइप डाउन करेंगे तो ड्रिंक हम पी लेंगे. सही है, हेल्थ ड्रिंक जिससे हमारा हेल्थ बढ़ जाएगा. देखो परफेक्ट, देखो योर हेल्थ इज अगेन अप टू द मार्क. ऑल्दो यू डोंट येट नो इट्स पर्पस, द स्किल ऑफ फोन शेकिंग विल कम इन हैंडी. You should try it now. Shake your telephone. अब ये क्या करना है हमें कि इसमें हमें एक हथियार मिलेगा फायरबॉल का. सही है, तो फायरबॉल का जब हमें हथियार मिलेगा उसे हम उसको हमने कैसे मारना है. Shake your उसको telephone. हमने ऐसे मारना है कि हमें मोबाइल को जब हम शेक करेंगे यानी हिलाएंगे तो फायरबॉल को दुश्मन पर मारेगा. सही है, shake मैं शेक करता हूँ. ये देखो मैंने शेक किया. Now you have all the skills essential for survival in the game. अच्छा, इसमें गोल्ड कॉइंस मिलते हैं इन चीजों को खरीदने के लिए. सेम तीर, हेल्थ ड्रिंक और सब कुछ मतलब बका जो है वो खरीद पाएंगे. गेम के खोलते हुए हमें गोल्ड कॉइंस मिलेंगे तो वो मैं आगे आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे खरीदना है. To the Dragon Cave. तो अब हम गेम के इंटरफेस में आ चुके हैं. ट्रेनिंग रूम खत्म हो चुका है. चलो अब हम खेलते हैं. Play button. Play पे क्लिक करते हैं. Continue game. Start new game. Start new game. हम गेम को खेल चुके हैं. This will do. Yeah, back. Yes. In a faraway land of Ludonia. The enemies are around us everywhere. They can attack us. From जिस तरफ जिस साइड से भी एनिमी आएगा हमें आवाज सुनाई देगा. हमें उस साइड वन फिंगर स्वाइप करना है और जैसे ही आवाज हमें बीच में सुनाई देगा तो हमें हथियार उठाना है यानी तीर उठाना है. अगर दूर है तो तीर उठाना है. टू फिंगर स्वाइप लेफ्ट से और अगर नजदीक होगा तो हमें तलवार उठाना है. टू फिंगर स्वाइप राइट से और स्वाइप अप वन फिंगर से हमें उसे हिट करना है. सही, जब पूरा नजदीक आएगा तब हम तलवार से हिट कर पाएंगे और जब वो दूर होगा तो हम तीर से हिट कर पाएंगे. सही है, उसे सही है, ये भी यही कह रही है. ठीक है, अब देखो एनिमी अब मेरे राइट साइड में आ रहा है. सही है, मैं वन फिंगर से स्वाइप राइट कर रहा हूँ. ये मैंने उठा लिया, ये मैंने इसको जो है ना तीर उठा लिया और स्वाइप टू फिंगर लेफ्ट से और स्वाइप अप वन फिंगर से मैंने इसको तीर मारे. अब ये एनिमी मेरे लेफ्ट में आ रहा है. चलो मैं लेफ्ट स्वाइप करता हूँ. ये इस वक्त मेरे पूरे बीच में है तो चलो मैं इसको तीर मारता हूँ स्वाइप अप से. ये देखो ये मेरे राइट साइड में आ रहा है. चलो मैं राइट स्वाइप करता हूँ. ये मेरा पूरे बीच में है. देखो इसको मैंने मार दिया तीर से. तो अब ये एनिमी भी मेरे राइट में. चलो मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ वन फिंगर से. पूरे बीच में आ चुका है लेकिन इसको हम नज़दीक आने देंगे. अब टू फिंगर स्वाइप राइट से हम तलवार उठाएंगे इसके पीछे. मैंने तलवार उठा लिया. अब ये जैसे ही पूरा नज़दीक आए, अब देखो ऐसे मैं मार रहा हूँ नहीं लग रहा है. सही, अब ये जब पूरा नज़दीक आएगा देखो तब मैं देखो पूरा नज़दीक आ गया. मैंने इसको मार दिया. सही है, अब ये दूसरा आ रहा है राइट में. मैंने स्वाइप राइट किया. ये पूरा बीच में अभी मैं इसके हूँ. पूरे बीच में मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है. अभी जैसे पूरा नज़दीक आएगा मैं इसे तलवार पे मारूँगा. देखो हमेशा आने दे इसको. आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा. पूरा करीब आ रहा है. देखो इसको ही मैंने मार दिया. ये दूसरा वाला अभी मेरे लेफ्ट में आ रहा है. चलो मैं लेफ्ट स्वाइप करता हूँ. मैंने स्वाइप किया. अब ये एनिमी इस वक्त मेरा निशाना बिल्कुल बना हुआ है बीच में. मैं जैसे ही नज़दीक आएगा तो मैं इसे तलवार से मार दूंगा. ये तलवार मेरे हाथ में. इसको ही मैंने देखो स्वाइप अप से मारना है वन फिंगर से इजीली. सही है, ये देखो you have annihilated them. मैं पहला लेवल पार कर चुका हूँ. सही है, अब ये मार्केट प्लेस. सही है, मार्केट प्लेस क्या होता है, जब लेवल ख़त्म होता है फिर हमें इस मार्केट प्लेस में जाना होता है. सही है, इससे हमें जो गोल्ड कॉइन्स मिली होती है तो उससे गोल्ड कॉइन से हमें हम इधर चीज़ें खरीद जा सकते हैं. सही है, इधर हम चीज़ें उससे ख़रीदेंगे. तो अब क्या क्या ख़रीदेंगे वो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ. अब मेरी हेल्थ जो है ना 90 है, 100 होती है. अब मेरी 90 बची हुई है, 10 मेरी गई.
फाइट करते हुए मेरी 10 हेल्थ गिर चुकी है। एरोस 20। एरोस यानी तीर मेरे पास 20 है। हीलिंग पोशन 0। और हेल्थ जो मैंने आपको ड्रिंक का बताया था, जो स्वाइप टू फिंगर डाउन से वहाँ में पीना है, जब हमारी हेल्थ कम होती है, जब डग डग वाली आवाज़ सुनाई होती है, वो मेरे पास इस वक्त 0 है। गोल्ड कॉइन 76। और ये ही गोल्ड कॉइन्स है जो मैं आपको बताया था कमाने हैं हमें, ये हमारे पास अभी 76 है। 76। 20 arrows, 25 gold coins. अब 20 तीर हमें 25 गोल्ड के मिलेंगे, सही है। इस पे मैं क्लिक करना है, देखो मैं 20 तीर ले चुका हूँ 25 गोल्ड के। Healing potion recovers health to max, 25 gold coins. देखो किलिंग में जब हमें हमारी हेल्थ कम होगी तो हम ये ड्रिंक हम जो पी लेंगे, तरीका तो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इससे हमारी जो है ना मैक्स हो जाएगी हेल्थ। ये मुझे 25 गोल्ड का एक ड्रिंक मिल रहा है, चलो हम इसे भी एक ख़रीद देते हैं। इसको जैसे इस पर क्लिक करेंगे डबल टेक करके, तो ये हम ख़रीद पाएंगे। देखो ये भी हमने ख़रीद लिया है। Diamond sword will cost 2x damage, 250 gold coins. अब ये diamond sword है यानी तलवार है, सही है। Double tap to select. इसका मतलब ये कि 250 गोल्ड का हमें मिल रहे हैं। ये आगे जाके जब हमारे पास coins आ जाएंगे तो हम खरीद लेंगे। इसका फायदा हमें ये कि डबल डैमेज देगा एनिमी को, जब हम मारेंगे तो उसको डबल डैमेज लगेगा, मतलब वो जल्दी मरेगा, सही है। तो इसको हम आगे जाके खरीद लेंगे, इसको आप लोग भी खरीद लेना आगे जाके coins जमा करके, गोल्ड coins। ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, एनिमीज को आप जल्दी मार पाएंगे। चलिए हम फिनिश शॉपिंग पे भी क्लिक करते हैं। तो ये था जो है ना मार्केट, इसका इससे अब ये चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट लेवल देखो, हम नेक्स्ट लेवल पे हम क्लिक करते हैं। We have a problem, princess. We are being attacked. देखो हम एक और लेवल में आ गए। अब इसमें भी हम उस तरह स्वाइप करने, अब ये वाले जानवर आ रहे हैं, सही लेफ्ट में आ रहे हैं। मैं स्वाइप करता हूँ पूरा बीच में, जैसे ही आओगे देखो पूरा बीच में, अभी मैंने तीर अब ये भी वाले बीच में है बिल्कुल, सही है। ये देखो स्वाइप अपॉन फिंगर से मैंने इसको हिट कर रहा हूँ, सही है। इसके पीछे हम तलवार उठाएंगे स्वाइप टू फिंगर राइट से, हम राइट स्वाइप करते हैं। ये आ रहा है, आ जाता बेटा, ये देखो। चलो इसके पीछे फिर से तीर उठाते हैं, देखो देखो। चलो मैंने इसको तीर, ये लेफ्ट में आ रही है, चलो आजा, मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, पूरी बीच में आ गई, देखो इसको भी मैंने तीर से मार दिया है। पूरे बीच में, चलो इसे तलवार से मारते हैं, सही है। चलो तलवार हमने मार दिया, अब इसे हेलो हमने मार दिया, ये हमने ये लेवल भी पार कर लिया। तो इस तरह हम खेल पाएंगे। तो सही है, इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो इतना मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। तो आगे आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आगे मैं आगे आप लोगों को जो है ना इस गेम का जो सीरीज है वो आगे इस गेम के बारे में मैं आपको अगली पार्ट में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम को थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। फिर आगे हम दूसरी पार्ट में आप लोगों को बताएंगे, बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए इस गेम का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।